अस्सलाम वालेकुम, मैं बुजुर्ग खान और आज की वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कोशिश करनी है कि आप लोग इसको लास्ट तक देखें, ठीक है। कुछ स्लाइड्स आपको दिखानी हैं, कुछ वेबसाइट्स आपको दिखानी हैं, तो इसलिए वीडियो को ऑडियो में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है वो है भाई कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर ICS, ICS के बाद आपको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आने लगी, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई FA से रिलेटेड, तो मुझे लोग मैसेजेस करना शुरू हो गए भाई मैंने ICS की है और उसके बाद मैं अभी क्या करूँ, समझ नहीं मुझे आ रही। सो प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट ICS आल्सो। सो मैंने कि चलो इस पे भी एक वीडियो जो है ना वो बना देते हैं। तो देखें, अगर तो आप ICS के स्टूडेंट हैं, ठीक है, FA के हैं या इंटर के हैं, मैट्रिक के हैं या यूनिवर्सिटी के हैं इवन, तो ये मेरे इस चैनल को आप ज़रूर विज़िट कीजिए, बिकॉज मैंने बहुत सी एजुकेशनल से रिलेटेड अभी तक मैं वीडियोज़ बनाता आ रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मेरा प्लान है कुछ अर्सा एजुकेशनल वीडियोज़ को बनाने का। सो चैनल को विज़िट ज़रूर करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। तो अभी आ जाते हैं हम ICS पर कि ICS के बाद अब आपको क्या करना चाहिए। तो मोर देन 80% जो ICS के स्टूडेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम BScS, BSIT कर लें, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी से IT करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या उसके बारे में मतलब वो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। इसके अंदर बहुत सी मैंने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और ये मैंने बात की है कि विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर CSIT एंड कंप्यूटर साइंसेज, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अच्छा, तो मोर देन मैं बात कर रहा था कि 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो IT की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने ICS में कंप्यूटर साइंस एज मेजर सब्जेक्ट पढ़ा होता है और काफ़ी एडवांस लेवल का वो सब्जेक्ट होता है कि जिसके अंदर वो प्रोग्रामिंग भी पढ़ लेते हैं और काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है। मैट्रिक में जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है वो बहुत बेसिक सा होता है, इतना एडवांस नहीं होता, लेकिन ICS में प्रोग्रामिंग होती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको एक्चुअली करना। तो जो चीज़ मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ICS के बाद, तो देखिए अगर आपने अभी प्रोग्रामिंग की है, सारा कंसेप्ट आपने देखा है कि क्या होता है, कैसे होता है प्रोग्रामिंग, और कुछ ना कुछ आपको पता चल गया होगा कि अभी नेक्स्ट अगर हम IT करते हैं तो हम किस तरह की जो प्रोग्रामिंग है या किस तरह के सब्जेक्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर तो आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है या आप इस कैलिबर के हैं, तो आप ज़रूर करें, बिकॉज द फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट IT। और सारे का सारा जो भी दुनिया है वो चेंज हो भी गई है, एडवांस हो भी गई है, और जो रह गई है वो भी आने वाले कुछ सालों तक जो है ना वो टोटली कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और मैंने कोई ऐसा IT का बंदा नहीं देखा, कंप्यूटर साइंसेज जिसने की हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसने की हो, IT की हो, और वो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वो या तो मतलब जॉबलेस हो या फिर कोई मतलब आगे पीछे अपनी उसने जो डिग्री है वो चेंज करके तो किसी और को, किसी और चीज़ को वो कर रहा हो, ठीक है। बहुत से ऐसे मैंने इंजीनियर्स देखे हैं जो इंजीनियरिंग करके अपनी फील्ड को चेंज कर लेते हैं, बहुत से मैंने और सब्जेक्ट्स के मतलब बंदे होते हैं जो कि जब जॉब उन्हें नहीं मिलती तो वो चेंज कर लेते हैं अपना, लेकिन जस्ट IT की एक ऐसी फील्ड है कि वो बंदा जो है ना वो स्पेसिफिक अपनी फील्ड की तरफ रहता है और कोशिश ही करता है कि मैं इसी में काम करूं, और वो उसको काम उसमें मिलता भी है क्योंकि बहुत ब्रॉड एक वास्ट फील्ड है और बहुत कुछ जो है ना वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, किसी के अंडर हमें काम करना नहीं पड़ेगा, और अभी जो फ्रीलांसिंग का काम है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अगर आप IT करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, CS करते हैं, तो बहुत कुछ जो है ना आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप समझते हैं कि यार मतलब मैं ये प्रोग्रामिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मैंने कुछ चेंज करना है, तो आप जो है वो BBA वाली साइड पे, BCom वाली साइड पे, या लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी FA में, तो वो जो भी FA के सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन वो FA के सब्जेक्ट्स आप सारे कर सकते हैं, और उन जो जो जिस फील्ड में FA वाले जा सकते हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे, जिन जिन फील्ड्स में FA वाले बंदे जा सकते हैं उन फील्ड्स में आप भी जा सकते हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपने ICS में 2 साल कंप्यूटर एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आप जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि कंप्यूटर इज़ द रेवोल्यूशन, ठीक है, कंप्यूटर एक एवोल्यूशन है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू ट्रांसफर बिकॉज ऑफ द IT। सो आप लोग इससे अटैच रह सकते हैं, चाहे किसी और फील्ड में आप चले जाएँ, लेकिन अटैच इससे इस तरह रह सकते हैं आप कि आप बहुत सी स्किल्स सीख सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल्स को बेच रहे होते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं आप, या SEO सीख सकते हैं, या क्रिएटिव राइटिंग सीख सकते हैं, यानी कोई भी एक आपने स्किल सीखनी है और फिर उसको आपने यूटिलाइज़ करते रहना विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे आप IT में हैं, चाहे आप आउटसाइड ऑफ IT किसी और फील्ड में हैं, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा कन्फर्म कर लेनी है कि भाई मैंने अपनी फील्ड का भी कोई ना कोई काम कर लेना, ठीक है। और बहुत से इंजीनियर्स, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि आपको
इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी आप लोग देखिएगा। तो अच्छा, बहुत से इंजीनियर जो हैं वो मतलब अपनी डिग्री करके तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ICS की हुई है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप फील्ड में जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जा सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आने वाले कुछ सालों में एक बहुत एडवांस फील्ड होगी। उसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी वाले साइड पे जा सकते हैं, वो बड़ी अच्छी फील्ड है। तो मतलब बहुत से ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि अगर आप समझते हैं कि मैं IT मैंने ICS की है और मैं आगे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, आप ज़रूर IT में आएँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, इन सब चीज़ों में आएँ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मतलब आप ये सब कुछ आपके लिए मुश्किल होगा, तो फिर आप ठीक है किसी और फील्ड में आपका या इंटरेस्ट है बिज़नेस वाली साइड पे या किसी और फील्ड में, तो आप BBA कर लें, BCom कर लें, या जो भी ये स्क्रीनशॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन सब फील्ड में आप जा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप IT से रिलेटेड हमेशा रहें, फ्रीलांसिंग करते रहें, फाइबर पे काम करते रहें, अपवर्क पे काम करते रहें, IT से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आप जो है वो ये चीज़ें सीख रही है, कर रही है, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। सो दैट वाज एवरीथिंग फ्रॉम टुडे। मेरे कुछ मैसेजेस थे जो मैंने आप तक पहुँचा दिए, और मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो दो तीन मैंने वीडियोज़ के आपको लिंक्स दिए हैं, इनके आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, और वहाँ से भी आप देखिएगा, चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। सो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।